Hey engineers, this is Anupama and welcome back to PTS CAD Expert. In my last two videos, I discussed about the Earth's structure and about steel and its connection. So today, we'll see how to implement what we have learned in the last class, that is about the steel and its connection. And if you have not gone through the last video, then please go through the video for better understanding. We'll share the link in the section below. And then in my upcoming videos, we'll study about Earth's structure more deeply, step by step. And till now, if you have not subscribed the channel, then make sure to subscribe it and do like and hit the bell icon to get notified for future updates. So without wasting much time, let's start the video. Let's go to new and then we select the template. So we'll select the structure template. Okay. So the first and foremost work for any structure is to prepare a layout. So let's start to make a layout and go to structure grid. Select the grid option. So now we'll start making a layout. So we'll take an offset. Offset of 10 feet. So maine yahan par aapka feet mein rakha hai. So let's take in 10 feet, select this, now we'll take vertically, so let's start taking vertically. So आपका offset मैं 15 foot पे लेती हूँ. Let's change this name. Change कर देते हैं. C, then D. One, two. So change कर दे रही हूँ. तो आप लोग अपने मुताबिक चेंज कर सकते हो, जो भी आप लोग को पसंद हो वैसा आप इसका रख सकते हो. अल्फाबेटिकली भी रख सकते हो. ठीक है, हो गया. तो आपका ये लेआउट बन गया. अभी हम लोग कॉलम प्लेस करते हैं. सो फॉर दैट गो टू कॉलम ऑप्शन. सो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेगा. ISMB 100, ISMB 250, ISMB 300, देन ISMB 600. सो ISMB मतलब पता ही होगा आपको, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम. सो आप लोग यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप लोग यहाँ से लोड फैमिली से भी आप लोग यहाँ से भी लोड कर सकते हो कॉलम को. तो फिलहाल मैं ISMB 300 सेलेक्ट करती हूँ. अभी मैं प्लेस करूँगी एक एक करके. सेंटर पे प्लेस करूंगी मैं. सो आप लोग जूम कर लीजिएगा सो दैट आपको प्लेस करने में इजी हो. सो मैं
मैंने सारा कॉलम प्लेस कर दिया है, आप लोग देख रहे हो। अभी मैं बीम प्लेस करूँगी वन बाय वन। सो उसके लिए आप लोग को बीम में जाना पड़ेगा। सो बीम प्लेस करने के लिए आप लोग को पहले मिड पॉइंट से, इसका मिड पॉइंट से इस कॉलम का मिड पॉइंट तक आपको प्लेस करना पड़ेगा। सिमिलरली इस मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट तक। सो लाइकवाइज हमको प्लेस करते जाना है बीम को। इस तरफ हो गए, इस तरफ करेंगे। लोग इसको कॉपी भी कर सकते हैं, बट ऐसे करने से ज़्यादा आपका गलत होने का चांसेस कम होता है। सो सारा बीम प्लेस कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग। सो टू डी में देखते, सॉरी थ्री डी में देखते हैं। देखिए इसको हम लोग चेंज कर देते हैं रियलिस्टिक में। ये आपका प्लेस हो गया है। सो अभी हम लोग यहाँ पर वोल्टेज कनेक्शन करेंगे। सो देखते हैं कैसे होता है। उसके लिए आपको पहले स्टील वाला ऑप्शन में जाना है। स्टील वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। सो इसमें आप लोगों को दिखेगा ये सारे ऑप्शंस है। सो 8120 में ही आपको दिखेगा, ये अलग से स्टील का रहता है। सो आप दूसरा वर्जन में आपको नहीं दिखेगा। सो आप लोग प्लीज़ 2021 डाउनलोड कर लीजिए, सो दैट ये आपका स्टिल अवेलेबल रहे। फिर यहाँ से हमें ये कनेक्शन वाला ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। देन आप लोग को दिखेगा यहाँ पर कनेक्शन का बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है, देखिए। सो ये सब क्या है, जो भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है सारा कनेक्शन, सो ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर आपका अवेलेबल है। सो पहले हमें इसको सेलेक्ट करना है हर एक को। सब सेलेक्ट होने के बाद फिर हमें इसको ऐड करना है। हम लोग ऐड नहीं करेंगे, कनेक्शंस को लोड नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। फिर तो पहले हम लोग ऐड करते हैं। सो अभी ऐड हो गया, देन ओके। सो आपका कनेक्शंस या लोड हो गया है, हो रहा है लोड आपका। तो लोड होने के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग को यूज करना है। अभी हम लोग देखेंगे कि कनेक्शन कैसे लगाएंगे हम लोग, ठीक है। जो भी हम लोग ने कनेक्शन लोड किया है तो कैसे हम लगा सकते हैं। सो इसके लिए पहले आप लोग को यहाँ पर स्टील सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन कम टू कनेक्शन। सो एज सुन एज आप लोग कनेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप लोग को यहाँ दिखेगा जेनेरिक कनेक्शन का ऑप्शन, ठीक है। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर कॉलम को सेलेक्ट करना है। ध्यान रखना है कि हमें पहले कॉलम को सेलेक्ट करना है, बीम को नहीं। तो पहले कॉलम सेलेक्ट हो गया, देन हम लोग बीम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन थर्ड स्टेप है आपका एंटर, यू हैव टू प्रेस एंटर। सो एज सुन एज आप लोग एंटर प्रेस करेंगे, आप लोग को यहाँ पर एक राउंड सा दिखेगा कुछ ब्लू कलर में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये ऑप्शंस नहीं है तो क्या होता है, ये यहाँ पर ऊपर में कुछ आप लोग को दिखेगा, तो यहाँ पर आप लोग प्रेस कीजिएगा चीज। इसमें प्रेस करेंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो ये दिखा रहा है आपका, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद
हम लोग यहाँ पर इस ऑप्शन में आएंगे जेनेरिक कनेक्शन। देन यहाँ से हम लोग क्लिप एंगल, सो हम लोग यहाँ से आपका क्लिप एंगल सेलेक्ट करेंगे। हाँ, ये वाला रहा आपका क्लिप एंगल। तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेगा, एक सिंपल क्लिप एंगल, ठीक है, और एक क्लिप एंगल स्क्यूड। तो ये नॉर्मली हम लोग वही यूज़ करते हैं जहाँ पर आपका व्हेन द बीम इज स्लोप्ड हो और स्क्यूड टू द फर्स्ट बीम, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी हम लोग केवल नॉर्मल सा लेंगे क्लिप एंगल। तो ये लग गया है आपका यहाँ पर कनेक्शन लग गया है, बट यहाँ पर विजिबल नहीं है। सो विजिबल होने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग शेडेड में आइए, ठीक है। देन कोर्स करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, मीडियम करेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, फाइन करना पड़ेगा। तो देखिए, फाइन जब करेंगे आप लोग तो यहाँ पर हम लोग को कनेक्शन दिखेगा। सो अच्छे से दिख रहा है कनेक्शन, कनेक्शन लग गया। सो अभी अगर हम लोग को प्रॉपर्टी चेंज करना पड़े कनेक्शन का, तो हम लोग कैसे करेंगे। सो ये आपका लग गया प्लेट और ये हो गया आपका वोल्ट। सो ये हो गया आपका कंप्लीटली क्लिप एंगल, ठीक है। तो अगर अभी आपका इसका प्रॉपर्टी चेंज करना हो कि जो हमें रिजल्ट मिलेगा या फिर जो डिटेलिंग हम लोग को मिलेगा, अगर उसके हिसाब से हमें बोल्ट का डायमेंशन वगैरह चेंज करना हो, तो हम कैसे करेंगे। सो उसके लिए पहले हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा बोल्ट को, ठीक है। देन आपको यहाँ पर एडिट टाइप पे जाना पड़ेगा। फिर एडिट टाइप में जाने से यहाँ पर आपका मॉडिफाई पैरामीटर्स में एडिट, ठीक है। सो यहाँ पर आपका है क्लिप एंगल पे नंबर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिखेगा डबल, सिंगल लेफ्ट, सिंगल राइट। तो आप लोग को जो क्लिप एंगल है वो दोनों तरफ रखना है ना, सिंगल लेफ्ट सिंगल राइट, तो अकॉर्डिंगली आपको चूज करना है। देन आपको आता है एंगल प्रोफाइल साइज, तो उसमें से पहले ये है आपका कोड आता है। तो हर कंट्री का अलग अलग कोड है यहाँ पर, तो अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर चूज करना है इंडियन रूल स्टिल इक्वल एंगल्स 808, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका अलग अलग सेक्शंस आएगा, जो भी सेक्शंस आपको लेना है, सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। देन आपका आता है कट ब्रेक। तो एक चीज़ अच्छा है यहाँ पर कि रैबिट में, कि यहाँ पर जो नंबरिंग दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर शो किया हुआ है। जैसे कि कट बैक का नंबरिंग है आपका 1, तो देखते हैं यहाँ पर आपका 1 में क्या है। हाँ, ये वाला जो आपका ये वाला पोर्शन हो गया आपका 1, जो डिस्टेंस है, कि हमें यहाँ इस यहाँ पर कुछ डिस्टेंस रखना है कि नहीं, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। देन आपका हो गया क्लिप क्लियरेंस टू मेन, ठीक है, ये हो गया आपका 3। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यहाँ पर कुछ रखना है कि नहीं, ये हो गया आपका 3। जो बोल्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये हो गया 3। तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ डिस्टेंस नहीं रखा है। देन आ गया नेक्स्ट है आपका क्लिप क्लियरेंस टू सेकेंडरी, मतलब ये नंबर 4 है, तो इस बीच में आपको कोई डिस्टेंस रखना है कि नहीं, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंगली आपका जो रिजल्ट आएगा उस डिटेलिंग के हिसाब से आपको यहाँ पर डालना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्लिप वेल्ड। सो नेक्स्ट जो ये क्लिप वेल्ड है, इसमें आपका वेल्डेड एट आपका ऑप्शन है नन, मेन, सेकेंडरी, बोथ। मतलब आपको वेल्डेड कौन सा तरफ चाहिए, दोनों तरफ में चाहिए, या एक तरफ वेल्डेड चाहिए एक तरफ वोल्टेड चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी हम लोग यहाँ पर नन किया हुआ है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर वोल्टेड ही देना है, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट है आपका टॉप कोप। सो कोप क्या होता है, सो देखते हैं यहाँ पर कोप अलाइनमेंट। तो यहाँ पर है अलाइन, परपेंडिकुलर, जो आपको चूज करना है। देन है टॉप कोप, ऑटो कोप, ठीक है। देन है कोप लेंथ,
सो कोप लेंथ है आपका 3 इंच का, तो कोप लेंथ कितना नंबर पे है, नंबर 1। तो देखते हैं यहाँ पर 1 पे क्या है डायग्राम पे। सो जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका कोप लेंथ। सो कोपिंग क्या होता है कि अगर आपका बीम का साइज कभी भी कॉलम से बड़ा हो, देन हमें बीम को फिट करने के लिए हमें इसका कट करना पड़ता है। तो जो हमें कट करते हैं उसे हम कोपिंग बोलते हैं, ठीक है। वो अलग अलग टाइप का होता है कोपिंग। तो जस्ट टू फिट इट, तो सो दैट ये कॉलम के साथ फिट हो जाए, तो हमें यहाँ पर एक कट करना पड़ता है, तो उसे हम कोपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो जितना भी लेंथ होगा यहाँ पर आपको डालना है। देन है आपका कोप रेडियस। सो कोप रेडियस है आपका 3। तो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। सो कोप रेडियस होता है आपका ये जो कर्व टाइप जो है यहाँ पर, जो जब कट करते हैं हम लोग जो कर्वी पोर्शन है, तो वो हो गया आपका कोप रेडियस। तो इसका है आपका 1/2 इंच, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है बॉटम कोप। सो बॉटम कोप क्या होता है आपका, जो बॉटम में जो कोपिंग था, पहले वाला टॉप कोप था, ये यहाँ पर नेक्स्ट में आपका बॉटम कोपिंग। सो बॉटम कोप में क्या होता है, इसका सेम कोप लेंथ आपको डालना पड़ेगा, और यहाँ पर कोप रेडियस यहाँ पर भी 1/2 इंच है, ठीक है। सो अभी आप लोग को देखना है नेक्स्ट इज बोल पैरामीटर्स। तो बोल पैरामीटर्स आपका फर्स्ट आता है आपका डायमीटर। तो डायमीटर आपको क्या डालना है, जैसे कि 1 इंच का होता है आपका, 2 इंच का होता है, या फिर 1/2 इंच का होता है। तो अकॉर्डिंगली आपको जो भी डायमीटर डालना है अकॉर्डिंग टू रिजल्ट आप डाल सकते हैं यहाँ पर। देन बोल्ट टाइप, तो आपको कौन सा स्टैंडर्ड का बोल्ट डालना है यहाँ पर, सारे ऑप्शंस है यहाँ पर। तो मैंने डिस्कस किया हुआ था लास्ट वीडियो पे अकॉर्डिंग द बोल्ट टाइप्स, तो आपको कौन सा डालना है यू कैन चूज फ्रॉम हियर, ठीक है। देन इसके हिसाब से बोल्ट का ग्रेड को कौन सा डालना है, ठीक है। देन बोल्ट असेंबली आपको क्या डालना है, बोल्ट लोकेशन, कौन सा लोकेशन पे है आपका साइट शॉप, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर डालना है। सो नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल बोल्ट्स। तो हॉरिजॉन्टल बोल्ट्स, सो इसमें है आपका नंबर पर क्लिप। तो यहाँ पर आपका कितना आपका बोल्ट डालना है पर क्लिप। देन बैक मार्क 2 इंच, तो बैक मार्क कौन सा हो गया, सो इस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया आपका बैक मार्क। देन अकॉर्डिंगली आपका वर्टिकल बोल्ट्स जो है, वो वर्टिकल बोल्ट्स हुआ, तो जो भी आपको रिजल्ट्स मिलेगा, जो भी आपका डाटा मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सारा वैल्यूज डालना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू नंबरिंग आप यहाँ से डायग्राम से आप फॉलो कर सकते हो और समझ सकते हो, जैसे कि सेट आउट डिस्टेंस क्या हो गया। सो ये जो कोपिंग डिस्टेंस है वहाँ से लेके बोल्ट का बीच तक, तो ये हो गया आपका सेट आउट डिस्टेंस। सो हर एक का अलग अलग यहाँ पर आपका नंबरिंग किया हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट। सो जो भी आपको रिजल्ट्स आएगा, सो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। सो इसके बाद आपको यहाँ पर ओके करना है, ठीक है। देन आफ्टर ओके, देन आपको यहाँ पर भी ओके करना है। देन अकॉर्डिंगली आपका, अगर आपका यहाँ पर बोल्ड का साइजेस डायमेंशन सेम रहा तो इट्स ओके, कोई चेंजेस नहीं करना है। बट अगर आपका सपोज कि हर जगह का आपका बोल्ड का साइज अलग है, देन आपको इसका डुप्लीकेट कॉपी बनाना पड़ेगा हर एक के लिए अलग अलग से। तो फिर से एक बार लगा के देख लेते हैं हम लोग, तो आप लोग का भी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टिल पे आना है, कनेक्शन, देन पहले आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, याद रखना है। देन आपको बीम सेलेक्ट करना है, देन एंटर दबाना है आपको। देन ये वाला जो बटन है, ये ब्लू वाला, इस पर आपको प्रेस करना है। ये प्रेस करना मत भूलिए, नहीं तो आपका यहाँ पर कनेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। देन यहाँ पर आपका हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्लिप एंगल, ठीक है, क्लिप एंगल। तो आपका यहाँ पर लग गया क्लिप एंगल। देन लोग कनेक्शन पे जाते, फिर से एक बार लगा देते हैं, कॉलम सेलेक्ट करना है, देन बीम, देन एंटर, देन प्रेस दिस, देन क्लिप एंगल,
पर भी लग गया आपका। सो मैंने यहाँ पर आपका क्लिप एंगल लगा दिया हर जगह, देखिए। तो क्लिप एंगल का तो आप लोग को क्लियर ही हो गया होगा, बट एक बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब भी आप लोग क्लिप एंगल लगाएंगे तो ये आप लोग फाइन करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप लोग ये फाइन करना भूलेंगे तो क्या होगा आपका कि कनेक्शन तो लग गया होगा बट आप लोग को लगेगा कि कनेक्शन लगा नहीं है, तो आप लोग बार बार यहाँ पर कनेक्शन डालते जाएंगे, बट कनेक्शन लग गया होगा, बस आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। सो ये आपका फाइन करना आप लोग इसमें मत भूलिएगा, देन ये आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो क्लिप एंगल लग गया है, तो सो अभी हम लोग देखेंगे कि आप कॉलम में कैसे ब्लेस प्लेट लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो बेस प्लेट लगाने के लिए सबसे पहले हमें फुटिंग लगाना पड़ेगा, तो लेवल 1 में आना है। अभी हम लोग यहाँ पर फुटिंग लगाएंगे, उसके लिए स्ट्रक्चर आइसोलेटेड फुटिंग, साइज थोड़ा बड़ा है, चेंज कर देते हैं इसका साइज। अप्लाई ओके। तो अभी हम लोग फुटिंग प्लेस कर देते हैं एक एक करके। फुटिंग यहाँ पर लगा दिया है मैंने, अभी आपका ऑटोमेटिक भी हम लोग लगा सकते हैं बट वो बाद में देखेंगे, तो अभी फिलहाल मैनुअली करना ठीक है, बाद में हम लोग देखेंगे कि ऑटोमेटिक हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो फुटिंग यहाँ पर लग गया है, सो हम लोग 3D पे देखते हैं एकदम। सो 3D पे आपको देखिए लग गया। सो अभी हम लोग बेस प्लेट लगाएंगे, सो उसके लिए पहले आप लोग को स्टील पे जाना पड़ेगा, कनेक्शन, देन द प्रोसीजर इज सेम, पहले आप लोगों को कॉलम सेलेक्ट करना है, देन फुटिंग, देन एंटर, सेलेक्ट दिस, यहाँ से आपको कनेक्शन लेना है। सो थोड़ा हैंग होता है आपको कनेक्शन लगाने से, सो अभी हम लोग बेस प्लेट लगाएंगे। यहाँ पे आपका बेस प्लेट लग गया है, सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन फिर आपका जो प्रॉपर्टीज रहेगा, जो रिजल्ट्स निकल के आएगा, सो उसके मुताबिक अगर हमें इसका प्रॉपर्टीज चेंज करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, सो उसके लिए हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम उसे कैसे चेंज करेंगे, इसका प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगरेशन एज फार एज द रिजल्ट। सो यहाँ पे आपका एडिट टाइप पे जाना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी इस पे नहीं, आपका एडिट टाइप एंड ये आपका मॉडिफायर, तो यहाँ से हमें क्या एडिट करना है। सो यहाँ पे आपका प्लेट का थिकनेस फर्स्ट आता है बेस प्लेट लेआउट, तो यहाँ से आपका प्लेट थिकनेस आपको कितना देना है। सो प्लेट थिकनेस है आपका ये वाला पोर्शन जो प्लेट होगा, तो थिकनेस आपको क्या देना है इस पर रिजल्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। देन लेआउट का यहाँ पर आपका प्रोजेक्शन फ्रॉम सेंटर, ठीक है, ये आप यहाँ से चूज कर सकते हो। देन आपका यह डायरेक्शन क्या होगा, बाई कॉलम, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डालना है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका बेस प्लेट डायमेंशन। सो आपका जो प्लेट का डायमेंशन होगा वो उसका प्रोजेक्शन। सो अगर आप लोग को सेलेक्ट करना है तो आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आपका प्रोजेक्शन वन, मतलब ये वाला पोर्शन, इसका प्रोजेक्शन कितना होगा, इसका डायमेंशन। देन टू में प्रोजेक्शन टू, ये आपका थ्री में हो गया ये वाला पार्ट। तो ये हर एक प्रोजेक्शन का आपको क्या क्या डालना है, आप यहाँ पर डायमेंशन डाल सकते हो। देन प्लेट कॉर्नर्स, प्लेट कॉर्नर्स पे आपको क्या डालना है, फिलेट, जो ये फिलेट है ना, आपको कट करना है जो कट है ना, आपको कॉन्वेक्स करना है ना, कर्व रखना है। सो एस पर यस यहाँ पर आप डाल सकते हो। देन है आपका एंकोर एंड होल। सो यहाँ से आपको उसका डायमेंशन क्या रखना है एंकोर का, फिर उसका डायमीटर क्या रखना है, टाइप क्या रखना है, ग्रेड क्या रखना है। सो यहाँ से आप लोग डाल सकते हैं इसका कितना इंच रखना है आपको। सो यहाँ से आप लोग इसका डाल सकते हो। देन वॉशर प्लेट, सो वॉशर प्लेट अगर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप टिक करेंगे, फिर यहाँ से आपको उसका थिकनेस साइज आपको चेंज करना है। वॉशर प्लेट वो होता है जो, मतलब आपको आपका जो बोल्ट लगाया जाता है उसको टाइट करने से पहले वॉशर प्लेट लगाया जाता है, सो दैट वो ज़्यादा अच्छे से टाइट हो। तो ये इसका आपका थिकनेस साइज एज पर द रिजल्ट आपको यहाँ आप लगा सकते हो। फिर नेक्स्ट आपका है एंकर पैरेलल टू वेव, देन एंकर पैरेलल टू फ्लेंज। सो यहाँ पर आपका वेव के पैरेलल आपका कितना बोल्ट लगा हुआ है, ठीक है। द इंटरमीडिएट डिस्टेंस, सो इंटरमीडिएट डिस्टेंस हो गया आपका ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। देन ऑफसेट फ्रॉम सेंटर, सो सेंटर से आपका डिस्टेंस कितना हो गया बोल्ट का। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको डालना है, एज पर द ड्रॉइंग जो आएगा आपके पास उसके हिसाब से यहाँ पर डालना है। देन सिमिलरली एंकर पैरेलल टू फ्लेंज, सो फ्लेंज के पैरेलल अगर बोल्ट लगाया गया होगा तो उसको कैसे आपको यहाँ पर, मतलब सर डायमेंशंस वगैरह यहाँ पर ऐड करना है आपको। देन आ गया वेल्ड, अगर आपको वेल्ड करना है वेव में तो कितना थिकनेस रखना है और वेल्ड टाइप क्या रखना है। सो ऑलमोस्ट 80-90% फिलेट वेल्ड ही यूज़ होता है, सो यहाँ पर कैसे आपको रखना है, ठीक है। देन आ गया आपका स्टिफनर्स, सो स्टिफनर्स इन प्लेट्स में आता है आपका, ये हो गया आपका स्टिफनर्स लेवलिंग प्लेट। सो स्टिफनर होता है आपका, ये अलग से एक प्लेट लगाया जाता है सो दैट आपका इसका लोड अच्छे से ट्रांसफ़र हो, इसलिए एक अलग से प्लेट लगाया जाता है। सो ये अगर आपको स्टिफनर अगर ड्राइंग पे होगा तो आप यहाँ पर पहले इसको सेलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ आप इसका सारा थिकनेस, देन प्रोजेक्शंस क्या है क्या नहीं है सारा, सो ये सब प्रोजेक्शंस कितना डालना है, मेन प्लेट से कितना प्रोजेक्शन होगा, सो ये सब आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो भी है यहाँ पर आपका एक एक करके आप यहाँ पर बस आपको आना चाहिए कि आपको कैसे यहाँ पर डालना है वैल्यूज। सो इस तरीके से आपको हर एक का यहाँ पर करना है, ठीक है। एंड ओके, सो ये जो अलग से आपको यहाँ पर दिख रहा है एक अलग से लाइट कलर का लाइन, तो ये है आपका स्टिफनर, ठीक है। ये वाला पार्ट है आपका स्टिफनर, ठीक है। देन और एक बार देखते लगा के हम लोग इस पर कनेक्शन। सो सेलेक्ट द कॉलम, then footing, then enter, click this, then यहाँ से आपको choose करना है base plate, थोड़ा time लग जाता है connection दिखाने में, और यहाँ पर आपको find करके रखना है, बस लग गया है। तो ऐसे करके आप base plate को लगा सकते हैं। सो अभी दूसरा टाइप का भी आपका ब्लेस प्लेट एक बार हम लोग लगा के देख लेते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि आपका रिजल्ट्स पे कुछ भी आ सकता है। सो हमें सब टाइप का आना चाहिए,
सो अभी हम लोग बेस प्लेट आपका देखते हैं कौन सा ऑप्शन में क्या क्या है, सो वो एक बार ट्राई करते हैं। प्रोसीजर सेम है आपका, पहले कॉलम सेलेक्ट कीजिए, फिर फुटिंग, देन एंटर, क्लिक दिस। सो देखते ऑप्शन में क्या क्या है। सो नॉर्मल बेस प्लेट हम लोग लगा चुके हैं, अभी बेस प्लेट कट। सो ये बेस प्लेट कट क्या होता है, थोड़ा टाइम लगेगा, लग गया है आपका कनेक्शन। सो बेस प्लेट कट क्या होता है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, लग गया है ऑलरेडी, ये देखिए लग गया है आपका कुछ इस टाइप का होता है आपका बेस प्लेट कट, इसमें आपका अलग से हुक लगाया जाता है। सो ये है आपका हुक्स, जो यहाँ पर हुक्स यूज़ किया जाता है, जो आपका फुटिंग्स का नीचे तक लगाया जाता है, ये हुक्स आपका नीचे तक आता है। नॉर्मली ये आपका जो स्ट्रक्चर में ज़्यादा लोड आता है, हाई रेज स्ट्रक्चर्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो आपका ये रहा, देखिए ये लग गया कनेक्शन। तो और दूसरा टाइप का भी है आपका, सो सब प्रैक्टिस कर लेते हैं एक एक करके। सो सब कनेक्शन, एंटर, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा टाइप का है आपका। कॉर्नर हम लोग ने ये बेस प्लेट यूज़ किया अभी, सो अभी देखते हैं कॉर्नर बेस प्लेट। ये नॉर्मली आपका कॉर्नर में लगता है, सो इसमें लगा के एक बार देख लेते हैं कैसा होता है। कनेक्शन लग गया है, थोड़ा टाइम लगता है लोडिंग होने पे। हाँ लग गया आपका, ये देखिए थोड़ा कट रहता है, ये नॉर्मली कॉर्नर्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो वो आपका एज पर आपका जो डिटेलिंग होगा, ड्राइंग होगा ऑटोकैड का, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हैं कौन सा बेस पेट लगाना है। अभी हो गया, तीन टाइप का ही था आपका। अभी देखते हैं अगर हम लोग को बोल्टिंग करना होगा तो कैसे हम लोग कर सकते हैं। अभी हम लोग बोल्टिंग कनेक्शन लगा के देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टील कनेक्शन, स्टील आपका यहाँ पे आपको बोल्ट सेलेक्ट करना है। देन द प्रोसीजर इज सेम, सेलेक्ट कॉलम फर्स्ट, देन बीम, एंटर, यहाँ सेलेक्ट हो गया आपका, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। रेक्टेंगल, सर्कल, जो भी लेना सर्कल ले लिया, फिर इसको जूम आउट करके यहाँ पे जितना भी रेडियस का चाहिए आप लोग यहाँ बना सकते हैं, क्लिक कीजिए, देन फिनिश। देखिए लग गए हैं, सो थोड़ा केयरफुली लगाना है इसको बोल्टिंग को। सो इस तरीके से अब आप बोल्टिंग भी कर सकते हो, या फिर क्लिप एंगल भी लगा सकते हो, एंड बेस प्लेट भी लगा सकते हो अलग अलग टाइप का। सो इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे कि ऑटोमेटिक रेनफोर्समेंट कैसे करना है आपका हर एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स का, बीम, कॉलम। बट आपका रेविट 2020 में वो प्लग इन अवेलेबल नहीं है, या फिर एक्टिव भी नहीं होता है। सो जैसे कि आपका जैसे स्ट्रक्चर हो गया, स्टील हो गया, सिस्टम, ये सब एक प्लगइन्स हैं। सो वैसे ही मैंने एक डाउनलोड किया हुआ है नेविट REX, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। सो इसमें सारा ऑप्शंस अवेलेबल है आपका ऑटोमेटिक रेनफोर्समेंट का, जैसे कि बीम, कॉलम, फुटिंग्स, पैरापेट वॉल, टाइल कैप, पाइल, रिटेनिंग वॉल। तो ये करके हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे करना है, ठीक है। तो आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हो
ये कैट फाइल है, सो मैं दिखाती हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है आप लोग को। तो ये आप यूट्यूब से ये वाला वीडियो देख सकते हो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा आप लोग कैसे करना है डाउनलोड ये वाला RVT STR डाउनलोड एंड इंस्टॉल रेविट एक्सटेंशन 2020। सो ये एक्सटेंशन है आपका, सो ये आप यहाँ से वीडियो देख के आराम से आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हो। एंड इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन डाउनलोडिंग देन डू कमेंट इन द सेक्शन बिलो, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ऑटोमेटिक रेनफोर्समेंट कैसे करना है, उसके पहले आप लोग ये प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतने ही रखते हैं, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।